नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 400 वाट का एम्पलीफायर आप कैसे बना सकते हैं और हमें 400 वाट का एम्पलीफायर बनाने के लिए किन किन पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। आप जैसा कि सामने देख पा रहे हैं, मैंने सारे पार्ट्स रखे हुए हैं जो 400 वाट के एम्पलीफायर में यूज़ होते हैं। इन सभी का कनेक्शन मैं आपको करके बताऊँगा कि कौन सा कनेक्शन कहाँ करना होता है। सभी तरह का कनेक्शन करके प्रॉपर डिटेल में आपको बताऊंगा। 400 वाट का एम्पलीफायर फुल कनेक्शन, वायरिंग वगैरह कैसे यूज़ होती है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तो और एक मैं है बहुत ही अलग तरह का बोर्ड मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा, साथ ही पूरा कनेक्शन मैं आपको करके बताऊंगा। तो दोस्तों, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी एम्पलीफायर को बनाने के लिए दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं। एक हमारा जो होता है मेन ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है हमारा ऑडियो बोर्ड। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया है मैं आपको दिखा देता हूँ ये ट्रांसफार्मर कितने वोल्ट और कितने एम्पियर का है। तो दोस्तों, ये है 50-0-50 का ट्रांसफार्मर है, आप देख सकते हैं। ये 500 वाट का ट्रांसफार्मर मैं इसमें 400 वाट में यूज़ करूँगा। असल में मैं 400 वाट में 50-0-50 का ही ट्रांसफार्मर यूज़ करता हूँ। इसमें देखिए 12 वोल्ट और 12-0-12 ये सभी आउटपुट निकली हुई हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें जो हमने बोर्ड यूज़ किया है ये हमारा 400 वाट का न्यू बोर्ड है जो हमने अभी तैयार किया है। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार क्वालिटी है इस बोर्ड की। इसमें देख लीजिए जो हमारे ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए हैं वो 5200 और 1943 ट्रांजिस्टर यूज़ किए हैं। ये हमारा एक चैनल 200 वाट, दूसरा चैनल हमारा 200 वाट, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी ड्राइवर में हमारे ये ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए हैं सभी पर हीट सिंक वगैरह यूज़ की गई है। यहाँ पर 35 एम्पियर का ब्रिज लगा हुआ है, साथ ही यहाँ पर आपका ऑडियो इनपुट है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है इन ग्राउंड एंड इन, यहाँ पर आपको ऑडियो इनपुट करना होता है। जो स्पीकर की आउटपुट होती है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्पीकर माइनस स्पीकर प्लस, ये हमारा पहला चैनल, दूसरा चैनल हमारा स्पीकर माइनस स्पीकर प्लस, ये दूसरा चैनल हो गया। तो दोनों चैनल की आउटपुट के लिए यहाँ पर कनेक्टर्स मिलते हैं, आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो फ़िल्टर कैपेसिटर लगे हुए हैं वो 10,100 वोल्ट के 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। और साथ ही यहाँ पर देखिए प्रिंटेड है, यहाँ पर आपको 50-0-50 ट्रांसफार्मर इनपुट करना होता है। आप इससे कम से भी चला सकते हैं, 30-0-30 से, 35-0-35, 40-0-40 इससे भी चला सकते हैं, मगर बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए फ्रेंड्स इसमें आप 50-0-50 का ट्रांसफार्मर यूज़ करिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, ऑडियो क्वालिटी बहुत ही ऑसम मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ये हमारा बोर्ड है 400 वाट स्टीरियो पावर एम माइट्यून ऑडियो, ये हमारा मोबाइल नंबर यहाँ प्रिंटेड है। यहाँ पर देखिए ब्रिज लगा हुआ है और बहुत ही हैवी क्वालिटी की हीट सिंक है। हीट सिंक का साइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए पीसीबी, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की पीसीबी है, 400 वाट की है, ठीक है फ्रेंड। तो ये दो चीज़ें हमारी मेन होती हैं जो कि हमारे एम्पलीफायर में यूज़ होती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप इसमें ब्लूटूथ यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी आप ब्लूटूथ लगा सकते हैं, जैसा कि मैं ये वाला ब्लूटूथ आपको यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। ये 5 वोल्ट से ऑपरेट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके लिए हमें ट्रांसफार्मर में हमने 0-12 की आउटपुट निकाली है और 0-12 की आउटपुट को हम रेगुलेटर करेंगे डीसी में, क्योंकि वो हमारी एसी होती है। तो उसके लिए हमने ये वाली पावर सप्लाई यूज़ की है जिसमें यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एसी। तो यहाँ पर आपको 0-12 एसी इनपुट देना है और यहाँ से आपको 3 आउटपुट मिलेंगे। देखिए मैं क्लोज़ करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ से आपको 18 वोल्ट निकलेंगे और 12 वोल्ट निकलेंगे और 5 वोल्ट निकलेंगे। फ्रेंड्स, ये 3 आउटपुट जो निकले हुए हैं 18, 12 और 5 वोल्ट, ये तीनों जो हमारे आउटपुट हैं ये हमारे एम्पलीफायर में यूज़ होने वाली बहुत ही मेन पावर सप्लाइयाँ हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही हमारे ये छोटे इक्विपमेंट जितने होते हैं, जैसे कि प्री एम्प हमारा और स्पीकर प्रोटेक्शन है, या LPF आप यूज़ करते हैं या माइक बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इन्हीं से ऑपरेट होती हैं। और यहाँ पर देखिए एक सेक्शन मैंने बनाया है 12-0-12 का, जो कि DC फिल्टर होकर यहाँ से आपको आउटपुट देगा। तो इसमें दो रेगुलेटर ऐसियाँ लगी हुई हैं 78-12 और 79-12, जिससे हमें प्योर रेगुलेटेड पावर सप्लाई आउटपुट मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए प्लस माइनस ग्राउंड, जो कि हम माइक के लिए यूज़ करते हैं, हमारा जो माइक बोर्ड होता है वो प्लस माइनस ग्राउंड 12 वोल्ट DC पे वर्क करता है, तो उससे आउटपुट हम यहाँ से लेते हैं। फ्रेंड, जो हमारा प्री एम्प होता है, देखिए यहाँ पर ये दो हमारे प्री एम्प रखे हुए हैं, इन दोनों के बारे में बताऊँगा दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, दोनों ही अपनी जगह बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। फ्रेंड्स, ये वाला जो हमारा प्री एम्प है, देखिए इसमें 4 टोन लगे हुए हैं और ये डबल आईसी TL072 इसमें डबल आईसी लगी हुई है। मैं क्लोज़ करके आपको दिखाता हूँ,
देखिए बढ़िया क्वालिटी होती है इसमें, बहुत ही बढ़िया तगड़ा बेस पंच मिलता है। तो जो ये तीन टोन है फ्रेंड्स, देखिए ये बेस का है, ये मिड का है और ये ट्रेबल का है और ये वॉल्यूम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ऑपरेट करने के लिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 12012, यहाँ पर आपको AC इनपुट देना होता है 12012। ट्रांसफार्मर की डायरेक्ट वायर यहाँ पर देनी होती है। ये डायोड लगे हुए हैं, इससे यहाँ पर फिल्टर कैपेसिटर लगे हुए हैं जिनसे ये जो हमारे प्रीएम्प को 12012 DC फिल्टर होके मिलती है। यहाँ पर आपको ऑडियो इनपुट देना है और यहाँ से आपकी ऑडियो आउट, देखिए यहाँ आउट लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपकी ऑडियो आउट होगी। जो ऑडियो फ्रेंड्स यहाँ से आउट होगी तो वो हमारे मेन बोर्ड में जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और ऑडियो इनपुट आप कहाँ से ले सकते हैं, अगर आप ब्लूटूथ लगा रहे हैं तो ब्लूटूथ का ऑडियो इसमें आएगा, अगर आप इसमें ब्लूटूथ नहीं यूज़ कर रहे हैं और सिर्फ आप इसमें ऑक्स सिस्टम यूज़ करना चाह रहे हैं तो जो ऑक्स का कनेक्टर होता है, RCA इनपुट जिसे कहते हैं, तो RCA के कनेक्टर्स में जो भी वायर कनेक्ट करेंगे वो आपको यहाँ पर देना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आउटपुट हो गया जो कि हमारा मेन बोर्ड में जाएगा और ये ऑडियो इनपुट हो गया, तो जिस भी चीज़ से आप इनपुट दे रहे हैं वो आपको यहाँ पर देनी है। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा वाला जो हमारा प्रीएम्प है फ्रेंड्स, ये वाला प्रीएम्प, अभी देखिए इसमें IC नहीं लगी हुई है, तो ये हमारा 2.2 का प्रीएम्प है, तो इसका भी कनेक्शन वगैरह मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो पहले मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूं कि एम्पलीफायर में कनेक्शन वगैरह कैसे करते हैं। तो चलिए कनेक्शन करना हम लोग शुरू करते हैं कि कौन सा कनेक्शन हमें कैसे करना है, और एक 400 वाट का प्रॉपर एम्पलीफायर मैं आपको तैयार करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है इसमें देखिए हमें AC इनपुट देना होता है, जो कि हमें 220 वोल्ट AC, तो देखिए 220 वोल्ट जहां लिखा हुआ है, इसकी दो रेड वायर हैं, तो इसमें मैंने एक लीड जोड़ ली है, तो मैं ये इनपुट दे देता हूं। इसी तरह से एम्पलीफायर में भी आपको एक लीड का कनेक्शन करना होता है, तो वो आप जोड़ दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर इसमें से देखिए जो मेन आउटपुट है फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर की, फ्रेंड्स ये जो 50050 की आउटपुट है, ये हमें यहाँ पर बोर्ड में इनपुट करनी होती है। देखिए मैं लगा देता हूँ, देखिए 50 यहाँ पर आएगा, फिर बीच में ग्राउंड, देखिए ट्रांसफार्मर में जब डबल सप्लाई का ट्रांसफार्मर होता है, जैसे 50050 है, जो जीरो होता है हमारा वो अलग कलर से होता है, तो देखिए रेड वाली हम बीच में लगा देते हैं और ये हमारी 50 की यहाँ पर लगा देनी है। फ्रेंड्स, अभी इसमें देखिए मैंने ट्रांसफार्मर का जो इनपुट है 50050 ये यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है। अभी बात आती है जो हमारे छोटे पार्ट्स हैं जो कि कम वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं, इनको हम सप्लाई कैसे दें, तो उसके लिए हम इस सप्लाई से कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारी 012 की आउटपुट है, देखिए ये 012 की आउटपुट है, तो 012 आपको यहाँ पर दे देनी है। फ्रेंड्स, इस सप्लाई से हमें जो ये तीन आउटपुट मिलते हैं, 18 वोल्ट, 12 वोल्ट और 5 वोल्ट, ये तीनों जो आउटपुट है इनका यूज़ कैसे करना है मैं आपको 1x1 करके बताता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो हमारा 12 वोल्ट है, मैं इसके बारे में बताता हूँ कि जैसे आपको 400 वाट का एम्पलीफायर बना रहे हैं तो उसमें आप फ़ैन ज़रूर यूज़ करिए, तो इस तरह के जो 12 वोल्ट के फ़ैन होते हैं, तो इसमें देखिए ये कनेक्टर लगा हुआ आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप यहाँ पर कनेक्ट करेंगे 12 वोल्ट में, तो यहाँ से आपका ये फ़ैन चालू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से प्रॉपर 12 वोल्ट मिलेगी, तो जिससे ये हमारा फ़ैन भी ख़राब नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं जो ये फ़ैन होता है, देखिए 12 वोल्ट DC फ़ैन होता है, तो 0.25 एम्पियर का फ़ैन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप फ़ैन इसमें लगा देंगे तो ये आपका फ़ैन चालू हो जाएगा। अभी बात करते हैं कि देखिए हमारे मेन बोर्ड में पावर सप्लाई आ गई 50050 की, मगर हमारी ऑडियो इनपुट कहाँ से आएगी, तो ऑडियो इनपुट के लिए हम ब्लूटूथ सोर्स का यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए जैसे ब्लूटूथ हमारा 5 वोल्ट पर वर्क करता है, मैं क्लियर दिखाता हूँ आपको, देखिए 5 वोल्ट ऑपरेटेड है, यहाँ से ये ऑडियो आउटपुट है। फ्रेंड्स, ये जो हमारा 5 वोल्ट का कनेक्शन है, ये देखिए ये कनेक्शन मैं यहाँ पर इस पावर सप्लाई में करूँगा, यहाँ से हमें 5 वोल्ट का आउटपुट मिल रहा है, तो यहाँ पर मैंने ये दे दिया, तो यहाँ से हमारा ये ब्लूटूथ कार्ड ऑन हो जाएगा, और जो इससे ब्लूटूथ कार्ड से ऑडियो आउट हो रही है, जो भी इससे देखिए ऑडियो आउट होगी, ये ऑडियो आउट का कनेक्टर है, तो इसको आपको कहाँ देना है, जो हमारा प्रीएम्प, कोई भी आप प्रीएम्प यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर इनपुट में देना है। अगर आप प्रीएम्प नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्ट इस बोर्ड में दे सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे ब्लूटूथ कार्ड से ऑडियो आ रही है वो डायरेक्ट इसमें वर्क करेगी, तो उसका आप वॉल्यूम जो है ब्लूटूथ से ही कम ज़्यादा कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और प्रीएम्प लगाने से क्या होगा फ्रेंड्स, जो हमारा बेस, ट्रेबल, मिड, ये तीनों आप इससे एडजस्ट करके यूज़ कर सकते हैं, तो आपके ऊपर है, आप जैसा चाहे कनेक्शन कर सकते हैं। अभी देखिए मैं
ऑडियो इनपुट यहाँ कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए ऑडियो इनपुट हो गया। देखिए हमारे ब्लूटूथ कार्ड को सप्लाई मिल गई 5 वोल्ट, हमारा ब्लूटूथ कार्ड ऑन हो जाएगा। प्री एम्प में हमारा ऑडियो इनपुट हो गया, बट अभी हमारे प्री एम्प को सप्लाई नहीं मिली है। हमारा प्री एम्प चालू कैसे होगा, तो उसके लिए जो हमारे ट्रांसफार्मर की सेकेंड आउटपुट है 12012 की, ठीक है फ्रेंड्स, 12012 एसी की डायरेक्ट इनपुट आपको यहाँ पे लगा देनी है। तो ये ट्रांसफार्मर की डायरेक्ट 12012 हमारे बेस टेबल के बोर्ड में यानी प्री एम बोर्ड में मैंने इनपुट कर दी है, तो हमारा प्री एम चालू हो गया। अब यहाँ से जो ऑडियो आउट होगी फ्रेंड्स, इसको हमें अपने मेन बोर्ड में कनेक्शन करना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें एक कनेक्शन वायर जिग की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए मैंने ये दो जिग को आपस में जोड़ के इस तरह से बना लिया है। तो हम इस जिग से जो हमारे प्री एम से ऑडियो आउट हो रही है यानी कि यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। देखिए जो प्री एम से ऑडियो यहाँ आउट हो रही है, तो यहाँ पर एक तरफ का हिस्सा यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ से ऑडियो आउटपुट हुई और ये हमारी जाएगी मेन बोर्ड के इनपुट में, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए कनेक्टर लगा हुआ है, तो आपको यहाँ लगा देनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी देखिए इतने कनेक्शन हो गए हैं कि देखिए ट्रांसफार्मर से हमने जो मेन बोर्ड है हमारा उसमें 50050 इनपुट कर दिया है, और ऑडियो इनपुट के लिए हमने ब्लूटूथ यूज़ किया है। तो ब्लूटूथ के लिए हमने यहाँ पर पहले ट्रांसफार्मर की 012 एसी इनपुट करी, यहाँ से 5 वोल्ट जो आउटपुट हो रही है ये हमने ब्लूटूथ कार्ड को दी है, जिससे हमारा ब्लूटूथ कार्ड चालू हो गया। और यहाँ से जो ऑडियो आउट हो रही है वो हमने प्री एम्प में दी, जिससे हमारे प्री एम्प को सिग्नल इनपुट मिल गया। और प्री एम्प को ऑन करने के लिए हमने 12012 जो ट्रांसफार्मर से एसी इनपुट लिया था उसको हमने यहाँ पर इनपुट कर दिया। प्री एम्प से जो हमारा ऑडियो आउट हो रहा है उसको हमें अपने मेन बोर्ड के इनपुट में कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इतना हमारा ये कनेक्शन हो गया। अभी आपको स्पीकर कैसे कनेक्ट करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए स्पीकर का मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, स्पीकर आउटपुट है आपका यहाँ पर फर्स्ट चैनल स्पीकर प्लस माइनस, सेकंड चैनल स्पीकर प्लस एंड माइनस, ठीक है फ्रेंड्स। अभी एक चीज़ और आती है कि जो लोग अपने एम्पलीफायर्स में स्पीकर प्रोटेक्शन वगैरह का यूज़ करते हैं, तो देखिए इस तरह का स्पीकर प्रोटेक्शन होता है फ्रेंड्स। कोई भी स्पीकर प्रोटेक्शन है जो हमारा वो काम कैसे करता है मैं आपको बता दूँ। पहले तो हमें देखिए यहाँ पर 012 एसी आप इनपुट कर सकते हैं या फिर 012 डीसी भी इनपुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो डायोड लगे हुए हैं, तो फिर इसमें जो है फुल ब्रिज नहीं बना हुआ है, तो आप इसमें एसी या डीसी कोई भी इनपुट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए 230 एम्पियर की रिले लगी होती है। इनका काम ये होता है कि अगर आपके मेन बोर्ड से कोई भी डीसी या आपके मेन बोर्ड में कोई भी फॉल्ट हो जाता है, कोई ट्रांजिस्टर उड़ जाता है जिससे डीसी आउटपुट आती है आपके स्पीकर्स में, तो वो जब डीसी इनपुट इसमें आएगा तो यहाँ से ये आउटपुट नहीं निकालेगा, यानी कि ये रिले जो है उस सप्लाई को बंद कर देंगी। ये डीसी इनपुट जैसे ही इसमें आता है तो ये सप्लाई बंद कर देती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जिससे क्या होता है कि हमारा जो स्पीकर है वो जलने से बच जाता है। इसमें बहुत ही तरह के स्पीकर प्रोटेक्शन आते हैं, जैसे इसमें अगर आप थर्मोस्टेट जोड़ना चाहते हैं तो वो किसी भी स्पीकर प्रोटेक्शन में आप थर्मोस्टेट जोड़ सकते हैं। बहुत ही सिंपल कनेक्शन होते हैं, जिन लोगों को मालूम है वो लोग करते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, ठीक है फ्रेंड्स। तो दो चैनल का है तो दोनों का इनपुट दोनों का आउटपुट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको कैसे कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले तो इसे हमें पावर सप्लाई देनी है। पावर सप्लाई कैसे देनी है फ्रेंड्स, तो मैंने जैसे बताया था आपको कि यहाँ से आपका 18 वोल्ट आउटपुट हो रहा है। यहाँ पर देखिए मैं 18 वोल्ट से आउटपुट लेता हूँ एक जिग के ज़रिए, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैं इस स्पीकर प्रोटेक्शन में लगा देता हूँ, जिससे हमारे स्पीकर प्रोटेक्शन के अंदर 18 वोल्ट सप्लाई आएगी। और इसमें एक रेगुलेटर पावर सप्लाई लगी हुई है 7812, तो जिससे क्या होगा कि आप इसमें 18 वोल्ट देते हैं या 20 वोल्ट देते हैं, आप इसमें 15 वोल्ट देते हैं, मगर इसके अंदर जो रिले है वो 12 वोल्ट पे वर्क करती है, तो उसको 12 वोल्ट ही पावर सप्लाई मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोनों चैनल के लिए देखिए एक रेड और एक ग्रीन एलईडी लगी हुई है। रेड हमारी तब जलती है जब हमारे बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम होती है, डीसी इनपुट आता है, तब ये हमारी रेड एलईडी जलती है। अगर ग्रीन है तो हमारा बोर्ड प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अभी हमारा जो है स्पीकर प्रोटेक्शन वो भी ऑन हो गया है। अभी बोर्ड से आउटपुट कैसे लेंगे और कैसे स्पीकर के कनेक्शन करते हैं वो भी आइए चलिए मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। स्पीकर के कनेक्शन करने के लिए आपको इस तरह के
वायर्स यानी कि काफ़ी अच्छे क्वालिटी के वायर आपको चाहिए, जिसमें ये 1.5 mm कॉपर हो या फिर 2 mm हो, तो इस तरह का कॉपर और इस तरह का कनेक्टर लगाकर आपको सोल्ड करनी है। तो चलिए मैं बताता हूँ। देखिए मैंने 2 वायर ले ली है। फर्स्ट मैं आपको कनेक्शन बताता हूँ। देखिए जैसे स्पीकर जो ये हमारा आउट हो रहा है प्लस वाला, आपको प्लस वाले में ही लगाना है, माइनस वाले में नहीं लगाना है। प्लस में मैंने यहाँ पर इसे देखिए एक वायर जोड़ा जो कि हमारी स्पीकर आउट है। तो डायरेक्ट आप स्पीकर में जोड़ देंगे तो आपका रिले प्रोटेक्शन नहीं वर्क करेगा। अगर आपको स्पीकर प्रोटेक्शन से चलाना है तो यहाँ पर जो इनपुट लिखा हुआ है आपको यहाँ पर लगा देना है। आप देखिए यहाँ पर जो इनपुट है इसमें आपने ये वायर यहाँ पर जोड़ दी। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारा जो सेकेंड चैनल है, सेकेंड चैनल में भी आप यहाँ पर जो स्पीकर प्लस वाला है प्लस वाले में ही जोड़ना है फ्रेंड्स, माइनस में नहीं जोड़ना है। देखिए मैंने प्लस में यहाँ पर लगा दी और ये जो ऑडियो इनपुट सेकंड लिखा हुआ है यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों इनपुट में हमारी वायर लग गई। अभी स्पीकर की जो वायर है आपको यहाँ से दोनों आउटपुट मिलेगी स्पीकर के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और जो स्पीकर की माइनस वायर होती है वो आप डायरेक्ट यहाँ पर लगा सकते हैं। तो स्पीकर की माइनस वायर, जो माइनस वायर होती है उससे हमें स्पीकर प्रोटेक्शन में कोई मतलब नहीं होता है, आप डायरेक्ट यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो माइनस यहाँ लगाएंगे, प्लस का जो इनपुट है यहाँ से लेकर पहले आप स्पीकर प्रोटेक्शन में लगाएंगे, स्पीकर प्रोटेक्शन से जो आउटपुट आ रही है वो अपने स्पीकर्स में कनेक्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी देखिए मैंने कनेक्शन कर लिया है, तो अभी मैं स्पीकर की वायर भी जोड़ लेता हूँ, फिर प्रॉपर पूरा सेटअप आपको चालू करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अभी मैं इस पे देखिए एक सबवूफर आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। ये सबवूफर 12 इंच का सबवूफर है, डबल मैग्नेट में है, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये 450 वाट का सबवूफर है। तो देखिए इसमें से ये जो 2 वायर हैं, एक प्लस और एक माइनस, इसको कैसे कनेक्शन करना है। यहाँ पर आपको पॉजिटिव वायर जोड़ देनी है स्पीकर की, और जो नेगेटिव वायर है वो आप यहाँ पर जो आपका बोर्ड का है स्पीकर माइनस वहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए। फ्रेंड्स, सारे कनेक्शन हो चुके हैं अभी आपके सामने में। देखिए पूरा कंप्लीट सेट ऑन करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं स्पीकर प्रोटेक्शन में देखिए ग्रीन लाइट चल गई है और ब्लूटूथ कार्ड में भी पावर सप्लाई आ गई है। तो ये कंप्लीट ऑन हो गया है। अभी मैं इसको फ़ोन से कनेक्ट कर लेता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों। वंदे मातरम।